हेलो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें ऊपर में जो एक और दो ये डायग्राम है, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, और नीचे में वन एंड टू ये क्लोज लूप सिस्टम का डायग्राम है। ये नीचे एक वाल और ये सॉल्वेंट, ये दो हाइड्रोलिक डीसी वाल्व का एग्जांपल लेते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम को। तो बेसिक डिफरेंस ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, ये फीडबैक। क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक मैकेनिज्म लगा होता है, लेकिन ये ओपन लूप में ये नहीं होता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, जब भी हम कुछ सिस्टम को ऑपरेट करते, इनपुट दिया, कंट्रोलर एंड प्रोसेसर्स के थ्रू जो भी उसका आउटपुट रिजल्ट रहा, वो हमारा 100% अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फीडबैक डिटेक्ट करेगा। और उसमें कुछ एरर है तो हमारे इनपुट को वो सप्लाई कर देगा कि यहाँ पे एरर आ रहा है, उसको करेक्ट करिए। तो वहाँ पे जो भी एरर रहेगा उसको वो करेक्ट कर देगा और ये आउटपुट हमारा 100% अचीव हो जाएगा। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा जब तक कि हमको 100% एफिशिएंसी ना मिल जाए। ये क्लोज लूप सिस्टम ऐसे काम करता है। और ओपन लूप सिस्टम में हमने एक बार जो इसको कमांड दे दिया ऑपरेट होने का, तो आउटपुट हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ से इनपुट और आउटपुट का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ये हमारा एरर है कि नहीं है वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगा। जैसे कि क्लोज लूप सिस्टम में एक सर्वो वाल्व का एग्जांपल हमने लिया हुआ है, और आउटपुट में एक सिलेंडर है। इनपुट क्या रहेगा इसमें, सप्लाई जो हम वाल्व को देंगे कमांड। सपोज हमारे सिलेंडर को 100 mm ऑपरेट होना है ये सर्वो वाल्व के थ्रू, तो इसको कमांड गया सर्वो वाल्व के थ्रू 100 mm ऑपरेट हो गया। सपोज अगर ये 99 mm ऑपरेट हो गया 100 की जगह, तो यहाँ फीडबैक मैकेनिज्म, ये सिलेंडर में पोजिशन ट्रांड्यूसर लगा रहेगा, फीडबैक मैकेनिज्म का काम करेगा। तो ये डिटेक्ट किया कि अभी ये 99 mm ही हुआ है, तो ये हमारा डिटेक्ट होके इनपुट को आ जाएगा। फिर यहाँ पे सर्वो वाल्व में जो सप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, और फिर ये 100 mm आने का ट्राई करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि 100 mm का स्टॉक अचीव ना हो जाए, तब तक ये कमांड देता रहेगा। ऐसे एक बार जब अचीव हो गया तो फिर विड्रॉ हो जाएगी सप्लाई। सपोज 100 की जगह 101 mm ऑपरेट हो गया, तो पोजिशन ट्रांजिशन फिर से डिटेक्ट करेगा 1 mm एक्स्ट्रा हो गया है, उसी हिसाब से फिर यहाँ पे सप्लाई एडजस्ट हो जाएगी सर्वो वाल्व की, और ये फिर 100 mm का स्टॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लोज लूप सिस्टम काम करता है। और ओपन लूप सिस्टम में यहाँ पे सोलेनॉइड ऑपरेटेड 2x4 डायसन कंट्रोल वाल्व बनाया है। यहाँ एक बार सप्लाई आ गया तो ये सिलेंडर हमारा कितना ऑपरेट हुआ, 100 mm हुआ, पूरा ओपन हुआ, क्लोज हुआ, उससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा इनपुट से। बस सप्लाई हमने दे दिया और ये ऑपरेट हो गया, ये पूरा ओपन लूप सिस्टम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम काम करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हाइड्रोलिक ज्ञान बाय ईआर विवेक वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।